हाय फ्रेंड्स दोस्तों, गर्मी आ गई है और अब लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं। वेकेशंस में जाएंगे तो जाहिर सी बात है दिन दिन भर आप घूमेंगे, बीचेस पे जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, और वहां पर जो आपको रिस्क रहता है वो सनबर्न का हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सनस्क्रीन के यूज का, क्योंकि सनस्क्रीन के यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि इसको डॉक्टर्स बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोगों ने भी अपने पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इंकरेज नहीं किया, और मैं भी अब जब से सनस्क्रीन लगा रहा हूं तो मैं इसका इफेक्ट देख रहा हूं कि इससे वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। अब हम लोग ये पूछेंगे कि सनस्क्रीन होता क्या है और ये क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब हम डायरेक्ट सनलाइट के रहते हैं तो सन से हमारे अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेज निकलती हैं, जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। अब इस डैमेज से एक तो मेलेनोमा टाइप का कैंसर हो सकता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा तक हो सकता है, और ये जो यूवीए जो रेज है ये हमारे एजिंग को भी बढ़ाती हैं, हमारे एजिंग फैक्टर को इंक्रीज करती हैं, हमारे रिंकल्स को बढ़ाती हैं। तो इसलिए हमें अपने बॉडी के जो स्किन है उसको अल्ट्रावायलेट रेज ए और बी दोनों से बचाना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। अब जैसे बच्चे दिन भर स्कूल में जा रहे हैं, दिन भर वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैचेस खेलने जा रहे हैं, स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर देखना, आपने देखा होगा कि उनकी स्किन बिल्कुल टैन हो जाती है। आप लोग अभी वेकेशन पे हैं, अगर आप एक दो दिन अगर आप स्विमिंग पूल में तैर लेंगे या आप समुंदर पे, आप बीचेस पे आप टहल लेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल टैन हो जाती है। और ये सिर्फ टैनिंग सिर्फ कलर से नहीं होती, आपकी स्किन को डैमेज भी करता है और आपकी एजिंग प्रोसेस को भी बढ़ाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको सनस्क्रीन के यूज़ का बताऊं कि सनस्क्रीन यूज इज ए मस्ट वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड इन द सन। आप वोकेशन पे नहीं भी हैं, आपका डेली रूटीन, अगर आपको दिन भर ट्रेवल करना है, आप मार्केटिंग के बंदे हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको बाहर निकलना है, तो आपको सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। अब सवाल आता है कि भाई सनस्क्रीन कौन सी यूज करें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी यूज करें। तो अब दो चीजें अगर आपने देखा होगा सनस्क्रीन की जब बातें होती हैं, तो एक होता है SPF जिसको सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं, और एक PA जो कि आपको उसके जो कितना प्रोटेक्शन दे रहा है उसकी डिग्री आपको बताता है। तो SPF बेसिकली जो होता है वो 30 से लेके 50 तक हम लोग देखते हैं कि स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर आपका कितना है, आपको उसके सन से कितना प्रोटेक्शन दे रहा है। बेसिकली ये आपको UVB रेज से प्रोटेक्शन देता है। और PA आता है, आपने देखा होगा PA++ होता है, PA++, PA4+। तो जितना PA+ ज्यादा है वो आपके UVA रेज से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो अगर आप सनस्क्रीन मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो आपको ऐसी सनस्क्रीन खरीदनी चाहिए जिसका SPF अबव 30 हो, यानी कि अगर बेस्ट है कि आप 50 वाला SPF लें और PA+ वाला लें तो आपके लिए बेस्ट सनस्क्रीन रहेगी। PA SPF 50 और PA++ अगर आप ले रहे हैं तो यूजुअली आपको 6 से 8 घंटे का ये प्रोटेक्शन देता है, और इसमें यूजुअली आपको ये स्वेट से और वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। तो आपको अगर आप स्विमिंग भी कर रहे हैं, आप बीचेस पे जा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, या आपको बहुत पसीना आ रहा है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो खेलते रहते हैं धूप में तो उनको पसीना बहुत आता है, तो उससे पसीने से भी आपका ये आपका जो सनस्क्रीन है वॉश ऑफ नहीं होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में इस चीज को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आप लोग सनस्क्रीन का यूज बढ़ाइए, खास तौर पे जब आपको बाहर निकलना है समर वेकेशंस में। बट रूटीनली भी मैं रिकमेंड करूंगा जिन लोगों का बाहर आउटडोर एक्टिविटीज रहती है, खास तौर पे वो बच्चे जो बाहर स्कूलों में धूप में खेलने जाते हैं, या जो बच्चे जिनके जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग के लोग हैं, उनको सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। और सनस्क्रीन इज अ मतलब जिससे आप कहिए कि इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसको यूज करने में आपका भला ही है, इसका नुकसान नहीं है। इसका फायदा यह कि आपकी एजिंग इसकी कम हो जाएगी, आपकी झुर्रियां कम हो जाएंगी, और इसको यूज करने से आपके जो कैंसर के चांसेस हैं, मेलेनोमा वगैरह के चांसेस हैं, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में, सर्किल में, सबको शेयर करेंगे, क्योंकि अब वेकेशन का टाइम है, सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो सब लोग अपने लिए सनस्क्रीन खरीद लिए जाके, और जरूर लगाइए। सन निकलने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि 15 से 20 मिनट पहले इसको अप्लाई कर लीजिए, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे के बाद, अगर आप उसके दिन में उसके बाद भी आप रह रहे हैं तो आप आई थिंक रीअप्लाई भी कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।